पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंजाब के लुधियाना जिले के शेरपुर थाना क्षेत्र से भगाकर लाई गई युवती को दूसरे समुदाय के युवक के साथ हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कचहरी में पकड़ लिया। युवती को बुर्का पहनाकर युवक कोर्ट मैरिज करने कचहरी पहुंचा था। पदाधिकारियों ने दोनों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकित शर्मा ने बताया कि उन लोगों को सूचना मिली है कि लुधियाना शहर की एक युवती को मुरादाबाद के करूला निवासी एक दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसला कर भगा लाया है। उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे विवाह करने कचहरी आ रहा है। युवती इंटर पास है। इस सूचना पर संगठन के पदाधिकारी, जिला महामंत्री सनी दुबे, जिला संयोजक रविंद्र समेत कई पदाधिकारी कचहरी पहुंच गए। इसी बीच युवक युवती को बुरके में लेकर कचहरी पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया और मौके पर मौजूद पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक ने नाम बदल कर इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की और फिर लव जिहाद के उद्देश्य से उसे भगा लाया। उन्होंने पुलिस से आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा था, कल एक लव जिहाद का मामला सामने आया। हमारे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की इसकी सूचना मिली तो हम लोगों को पता चला कि कचहरी में एक लड़की जो कि लुधियाना से भागी हुई थी, उसकी एक सवाज नाम के व्यक्ति से इंस्टाग्राम पर बात हुई। इंस्टाग्राम पे जो उसने अपनी फेसबुक आईडी बनाई वो बब्बे नाम से बनाई, हिंदू नाम से बनाई, जिससे उस लड़की को गुमराह किया गया। बाद में उस लड़के ने उसको बाद में बताया कि मेरा नाम शबाज है। जब उसका अफेयर लंबा हो गया एक डेढ़ साल बाद तो उसको पता चला, तो वो लड़की मुरादाबाद आई। कल वो लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी में जा रहे थे तो जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ मौके पर पहुँच गए। हमारी टीम ने इनको पकड़ा और तुरंत मैंने सिविल लाइन इंस्पेक्टर को फ़ोन कर इनको मौके से दोनों को गिरफ़्तार कराया और आज उनके लड़की के माता पिता जो कि लुधियाना से मुरादाबाद आ चुके हैं और लड़की अपने घर वापसी जाने को तैयार है। और हिंदू युवा वाहिनी लव जिहाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लड़का मुरादाबाद का बताया जा रहा है, करूले का। आपके संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? हमारे संगठन की तरफ से कार्रवाई ये है कि लड़की को उसके घर भेज दिया गया है। लड़की के माँ बाप जो हैं वो राजी हो चुके हैं कि हम इसको घर ले जाएंगे और हमारे संगठन की तरफ से वो शादी रोक दी गई है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, क्या लड़के के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? जिस तरीके अभी जानकारी में वो जाँच का विषय, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा जो भी जाँच में तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक महिला है जो पंजाब जनपद लुधियाना से, उनके वहाँ पे उनकी गुमशुदगी दर्ज है और वो यहाँ पे मुरादाबाद आ गई थी और एक युवक हैं उनके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही थी। उसी बीच क्योंकि ये दूसरे दोनों अलग समुदाय से हैं और वहाँ पे गुमशुदगी दर्ज है तो उनके परिवारजनों को, जब हमें ये पता चला तो उनके परिवारजनों से संपर्क किया गया। उनके परिवारजन आ चुके हैं और महिला जो हैं उनको सुपुर्द करने की जो है कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लुधियाना पुलिस की जो टीम है वो भी आ रही है और अग्रिम कार्रवाई जो है उनके द्वारा की जाएगी। ये मुरादाबाद जनपद का ही रहने वाला है और ये अभी यहीं पे ही है और अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी उनके परिवारोंजन और लुधियाना पुलिस के द्वारा की जाएगी। किस तरह से जुड़े थे ये दोनों? वहीं पंजाब में ही मिले थे और इनका संपर्क रहा होगा, उसकी जानकारी की जाए। क्या सोशल मीडिया का इसमें उपयोग किया गया था? ये क्योंकि दोनों वहीं रहे हैं, हो सकता है किया गया हो, इसकी पूरी जानकारी की जा रही है, बट ये लोग पहले भी वहाँ मिल चुके हैं ऐसा संज्ञान में। सर, किसी संगठन द्वारा इन्हें कल पकड़ा गया? पर्टिकुलरली कुछ मेरे सामने इसका संज्ञान नहीं आया, बट विश्व हिंदू परिषद के कुछ या हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट की थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर पुलिस ने उसका संज्ञान लेके फिर उस पर कार्रवाई की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।